हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू राइट कर्सिव हैंड राइटिंग्स फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट में यहाँ कार्ट्रिज का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही मार्किंग कर ली है। और मार्किंग कर लेने के बाद आर्ट लाइन कंपनी से दोस्तों पेन है ये कैलीग्राफी 3.0, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसकी ब्रॉड निप होती है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो ये स्लांट कर्व आपको जो है हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने ये एक के लिए यूज़ किया है और ये सेकेंड टाइम। तो ये मेन कर्व है आपका इस पूरी हैंडराइटिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पेन को आपको एक तरीके से ही पकड़ के रखना है, फ्लैट रखना है बेसिकली, और इस तरीके से उसको घुमाना है। तो अपने आप जो रोटेशन है उसकी पतली और जो मोटी है वो अपने आप उसके साथ सेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो है आपको फॉन्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दोस्तों बेसिकली हम आज करने वाले हैं, इसके बाद हम जो है स्मॉल भी करेंगे। और किस तरीके से आपको किसी ग्रीटिंग कार्ड को रेडी करना है अपने लव वंस के लिए, तो वो भी दोस्तों मैं जो है आने वाली वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने डिफरेंट काइंड ऑफ कैलीग्राफी पेन को यूज़ कर सकते हैं। अब कैलीग्राफी दोस्तों देखिए, इसके लिए अपने आप में अच्छा लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है आपकी चीज़ों को। लाइक आर्ट के अंदर आप अगर कैलीग्राफी को इन्वॉल्व करते हैं तो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपको अपनी पेंटिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ राइटिंग अगर लिखनी पड़ रही है या फिर आपके साइन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है अपनी मॉडर्न कर्सिव हैंड राइटिंग को इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहे हैं। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा सिंपल कर्सिव है दोस्तों। एटलीस्ट इतनी हैंड राइटिंग आप अगर दूसरों को टीच करना चाहते हैं या फिर अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, तो ये कर्सिव हैंड राइटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के कर्व्स जो है इस हैंड राइटिंग में आप देख पा रहे हैं। बेसिकली एक ही कर्व बार बार जो है मोस्टली रिपीट होता है, जिस तरीके से हमने ए को शुरुआत किया था, तो इस तरीके से हम जो है इसमें बाकी फॉन्ट भी लाइन के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें यहाँ पर अटेम्प्ट करते रहेंगे। और वैसे दोस्तों देखिए, कार्टर शीट अभी मेरे पास पर्सनली मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करनी है तो आप स्मूथ शीट्स का यूज़ कीजिए। लाइक आइवरी शीट जो है बेटर रहती है कैलीग्राफी के लिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा रफनेस अगर शीट में होगी तो पेन उसमें जो है अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाएगा, इसलिए थोड़ी स्मूथनेस होनी आपके लिए ज़रूरी है हैंडराइटिंग के पर्पज़ से। तो इस तरीके से आप जो है अपने हैंडराइटिंग में ये निखार जो है ला सकते हैं। धीरे धीरे हम इसमें जो है चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पेन को पकड़ने की रोटेशन को बस दोस्तों आपको घुमाना नहीं है, पेन को एक ही तरीके से बस पकड़ के रखिए और अपनी रोटेशन के ऊपर बस ध्यान दीजिए कि अपने हाथों को किस तरीके से मूव करना, इस बात पे ध्यान देना है, बजाय इसके कि पेन को आपको घुमाना पड़े। तो इस तरीके से हमने इसमें जो है धीरे धीरे एस टी, अब देख सकते हैं दोस्तों आप टी और एफ का लगभग जो है एक ही जैसा रोल है, यू एंड देन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो रोटेशन है, अब एम और डब्ल्यू यहां पर लगभग आपके जो है एक ही जैसे देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस एम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो डब्ल्यू ही मेरा बन जाता है। तो कुछ रिलेशंस भी दोस्तों इसमें इस तरीके के होते हैं कि आप उनको अल्फ़ाबेट्स को जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, एक्स वाई एंड देन लास्ट में देखिए दोस्तों जेड के लिए तो जगह नहीं बची है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा ऊपर का स्पेस है यहाँ पर हम जेड को लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था दोस्तों कर्सिव फॉन्ट फॉर बिगनर। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।